यस भाई, नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। ये मूविंग कॉयल का मॉडर्न टाइप है भाई। मूविंग कॉयल में क्या था, मिरर लगाओ, बार का लेजर कार्ड कंप्लीट सेटअप करो। बहुत बड़ा टॉपिक बन रहा था, हर बार ये करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसका सेकेंड वर्जन बनाया गया जो मॉडर्न टाइप, जो आजकल हम यूज़ करते हैं भाई। उसमें क्या है, देखिए आपके पास एक कॉयल होगी भाई, जो वहाँ पे भी थी, उस पर वायर मैंने वायर वाउंड कर रखे हैं, ऐसे कॉपर वायर है भाई, कर लोगे। और ये रखी गई है किसके बीच में, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं भाई, चीज़ें वही हैं सारी, सेम प्रिंसिपल, सेम चीज़ें सारी, कर लोगे भाई। अब देखिए कॉयल है, फ्रेम है भाई, फ्रेम को बांधा कैसे गया है, इस तरफ भी बांध दिया स्प्रिंग और इस तरफ भी बांध दिया स्प्रिंग भाई। ये जो कॉयल है ये दो स्प्रिंग के बीच में है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी स्प्रिंग बंधा हुआ और नीचे भी स्प्रिंग, ये हवा में नहीं है, अब ऐसे हवा में है, वायर नहीं बंधी हुई है, मिरर नहीं लगा रखा, कर लोगे। और इस कॉयल के ऊपर, ए बी सी डी के ऊपर, एक नीडल्स या पॉइंटर बोल सकते हो, पॉइंटर बंधा हुआ ऐसे, और ये पॉइंटर घूमता है ऑन द सर्कुलर स्केल, उस पर रीडिंग लिखी होती है। यस सर नो, यहाँ जोड़ेंगे करंट पॉजिटिव, यहाँ पे जोड़ेंगे करंट की वैल्यू नेगेटिव। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, क्वाइल क्या करेगी, टॉर्क दिखाएगी, या रीडिंग इस तरफ जाएगी, या रीडिंग क्या करेगी, इस तरफ जाएगी भी, डायरेक्शन दिखाएगा ये, और वैल्यू भी दिखाएगा साथ में। इट इज़ कॉल्ड ए वेस्टर्न टाइप जीवी। इतना ही है, डायग्राम बनाऊंगा। ये देखो इसका नीडल्स जीरो बीच में अभी, और ये जो यहाँ पे दंख देखो ना, तो ये कॉयल दिखाई देगी आपको, ये कॉयल यहाँ पे, और ये दो स्प्रिंग के बीच में बंधी हुई, ये भी दिखाई देगी आपको, ठीक है, हो जाएगा भाई। देखो इसमें कोई मिरर नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, सिंपल नीडल्स है, डायरेक्ट रीडिंग आएगी यहाँ से, कर लोगे। ये कॉयल पे रोटेशंस हुआ, रीडिंग दिखाई दें आप यहाँ पे। इट इज़ कॉल्ड ए वेस्टर्न टाइप। ये पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए जोड़ोगे आंसर आएगा, कर लोगे। ये क्या है, मॉडर्न, ये मूविंग कॉयल नहीं है, मूविंग कॉयल से बना एक्चुअली में, हो जाएगा अभी। लिख लीजिए क्या होता है इसके अंदर, लिखो वी हैव ए रेक्टेंगुलर कॉयल ए बी सी डी, ए बी सी डी ऑन विच कॉपर वायर इज वाउंडेड, ऑन विच कॉपर वायर इज वाउंडेड इज प्लेस्ड बिटवीन टू सिलेंड्रिकल मैग्नेट। कहाँ रखा गया इसको, दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट के बीच में रखा गया, समझ में आया भाई। कैसे रखा गया है, देख लीजिए, दिस क्वाइल इज होल्डेड इन बिटवीन टू स्प्रिंग, दो स्प्रिंग के बीच में, एक स्प्रिंग यहाँ पे लगा होता है, एक नीचे बीच की तरफ होता है इसकी, कर लो, एक कॉयल है, एक स्प्रिंग यहाँ पे, एक स्प्रिंग यहाँ पे, बीच में ऐसा है, ये कॉयल बीच में लटकी हुई है ऐसे, कर लोगे, हो जाएगा भी। आगे लिखिए, ए पॉइंटर इज फिक्स्ड ऑन द कॉयल when coil ABCD is rotate, then pointer give the reading on the circular scale, एक स्केल बनाई हुई यहाँ पे, पॉइंटर गिव द रीडिंग ऑन द सर्कुलर स्केल, दिस इज वेस्टर्न टाइप भी, इतना ही करना है। संट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है संट। देखिए आपने डिवाइस तैयार कर लिया अभी, आपने डिवाइस बना लिया, इनको जोड़ना भी है कहीं आ गए, बना रखना थोड़ी है, जोड़ोगे। मान लेते हैं जी आपका करंट ले रहा है 5 एम्पीयर का भी,
और करंट आ गया करो मैं 20 एम्पीयर डिवाइस करा भाई, यस सर ना। तो इस डिवाइस को बचाने के लिए एक और चीज़ जोड़ी गई रेजिस्टेंस भी, जो कि इसके पैरल में लगाया गया अभी, जो उसकी वैल्यू कम थी, यानी कम रेजिस्टेंस को क्या बोला गया, शंट बोला गया अभी। हो जाएगा तो ले लीजिए, इट इज़ द लो रेजिस्टेंस, इट इज़ द लो रेजिस्टेंस connected in parallel combination, connected in parallel combination with galvanometer or ammeter, और भी डिवाइस हैं बहुत से, यस और नो, विद ए जी एंड ए एमीटर, विच प्रोटेक्ट द डिवाइस, विच प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम हाई करंट, विच प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम हाई करंट, जो डिवाइस को हाई करंट से क्या करेगा, सेव रखेगा, अभी बचाएगा डिवाइस को। कर लोगे कैसे होता, देखिए अभी एक जी जुड़ा हुआ है, जी क्या है, और इसके सीरीज में, इसके पैरेलल में लगा दिया एक रेजिस्टेंस भी, लो रेजिस्टेंस को नाम क्या दिया गया, शंट भी। कर लोगे भाई, अब ये देखिए जी का नहीं, ये खास वैल्यू, एक इसमें से एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट जा सकता है भाई, इससे ऊपर करंट लेगा नहीं ये। इसका करंट कितना मान लेते हैं, कितना जा रहा है इसमें से करंट, आई जी फिक्स है इसका तो भी, और करंट आ गया आई ज़्यादा हाई जी से भी, तो आई जी ही लेगा भाई, बाकी करंट कहाँ चला जाएगा, एस के पास भी, और एस से होता हुआ यहाँ पे। कर लोगे यहाँ पे आई जी करंट गया, यहाँ पे कितना मान लेते हैं, आई एस मान लो भी, बाद में कर लेंगे आई माइनस आई जी को, कर लोगे भाई, इट इज़ आई एस, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं। तो देखिए अभी क्लास, मैं आई को कह सकता हूँ, आई दो भागों में बटा हुआ है, आई जी प्लस आई एस भी, फर्स्ट मान लें इक्वेशंस को भी, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि वैल्यू निकालिए, आई जी का वैल्यू कितना, आर आई एस का वैल्यू कितना है, निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। दो डिवाइस जुड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस और जी पैरेलल में जुड़े हुए हैं, बिटवीन ए और बी, तो क्या उनके पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है अभी। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, आपको पूरा लिखना है ये, बिटवीन ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, व्हाट इज वी, क्या होता है उमजुला के अकॉर्डिंग, आई आर वी, यस आर नो, इसके लिए कितना होगा, आई एस इंटू एस वी, और इसके लिए आई जी, अब जी ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी मान लेते हैं। कर लोगे, कई जगह यूज भी किया हम लोगों ने जी रेजिस्टेंस को भी, कर पाओगे। अब देखिए अभी ये इक्वेशन हमारी क्या दिखाती है, कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, बराबर होगा अभी। क्या आप यहाँ से आई जी निकाल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट वी, आई जी बराबर है किसके भी, आई माइनस आई, आई माइनस ए आई एस वी, सही है, क्या यहाँ पुट कर दो वैल्यू, तो आई एस की वैल्यू कितनी भी, आई एस इंटू एस बराबर है आई जी कितना अभी, आई माइनस आई एस इंटू जी, कैपिटल वाला गुणा कर ले, आई एस इंटू एस इज इक्वल टू आई जी माइनस आई जी आई एस इंटू जी, क्या मैंने सही लिखा भाई, यस सर नो, इसको यहाँ पे ले जाऊँ, इस इक्वेशन को प्लस क्यों क्या आएगी, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, निकाल के देखो कितना आएगा, एस प्लस जी इक्वल टू आई जी, क्या मैंने सही लिखा भाई, अरे यहाँ पे ले आओ प्लस का हो जाएगा, दोनों में से आई एस कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, एस प्लस जी बचेगा भी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एस भी, आई जी बाई एस प्लस जी, एनी प्रॉब्लम भाई, आपको रेजिस्टेंस पता होंगे, जी पता होगा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ जी, आई पता होगा कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इजीली निकाल सकते हो कि एस कितना करंट ले रहा है भाई, इट इज़ आई एस, कर पाओगे। अब मान लेते हैं आपके पास से आपका आई जी करंट ले रहा है 5 एम्पियर का, आपने भेजना है 20 एम्पियर, तो 15 कहाँ जाना चाहिए, इसके पास, तो 15 करंट लगा दो यहाँ पे, आई 15 हो गया, यस सर ना,
सॉरी ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये पता नहीं जो भी वैल्यू दे रखी होगी, तो आप इजीली निकाल सकते हो एस कितना जोड़ूं यहाँ पे कि डिवाइस शेप हो जाए मेरा भी। यस और नो? तो इजीली आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कितना जोड़ूं कि डिवाइस, आपने जोड़ तो दिया लेकिन ख़राब हो गया डिवाइस, फिर भी क्यों उतना ही जोड़ पाए जिससे शेप कर सके इसको अपने डिवाइस को, कर पाओगे भाई? अब ये भी बोल सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जी भाई, ये तो आई एस निकाल लिया मैंने, आई जी भी निकालो। कैसे निकालोगे भाई? क्या फर्स्ट से आई एस निकाल सकते हो? फ्रॉम फर्स्ट भी आई एस बराबर है आई माइनस आई जी। क्या इसमें रख दूं वैल्यू इस इक्वेशंस के अंदर? क्या बनेगा? आई एस है ना, तो कितना आएगा? आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी बी। यस और नो? मल्टीप्लाई कीजिएगा आई एस माइनस आई जी एस इक्वल टू आई जी इंटू जी। ओके, आई जी इस एस को इस तरफ ले जाऊं, प्लस की हो जाएगी, आई जी कॉमन निकाल सकता हूं, दोनों में आई जी है, कितना वैल्यू आएगा? आई एस बराबर है आई जी कॉमन निकल गया भाई, कितना यहाँ एस प्लस जी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जी? आई एस बाई एस प्लस जी, एस प्लस ए जी। कुछ मुश्किल है आगे पे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एमीटर। एमीटर वोल्ट मीटर सुना होगा नाम। ये डिवाइस किससे बनते हैं भाई? ये जी से ही बनते हैं। जी क्या है? क्या सुना है एग्जाम में? कन्वर्जन ऑफ जी इंटू एमीटर भाई। जी को एमीटर में बदल के दिखाओ भाई। एमीटर क्या मापता है? करंट को भी। यस और नो? और जी क्या मापता है? करंट को भी मापता है, डायरेक्शन को भी मापता है, दोनों मापता हो। कर लोगे? यानी जी को कन्वर्ट कीजिए एमीटर के अंदर भी। तो लिख लीजिए एक बार, होता है क्या एमीटर? लिखिए इट इज़ ए डिवाइस, एमीटर लिखो, इट इज़ ए डिवाइस विच कैन मेजर द करंट भी। जो करंट को मापेगा वो क्या? एमीटर भी। समझ में आई थोड़ी बहुत? एक और पॉइंट लिखा जाता है, इट इज़ ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी। लिखो, इट इज़ ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। क्या नाम दिया इसको हम लोगों ने? लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है ये। अब इसको एक वर्ड बोला गया कि इट इज़ लो रेजिस्टेंस जी। जी का रेजिस्टेंस कम करना आपको अभी कैसे पॉसिबल है? उसके रेजिस्टेंस सीरीज में लगाऊं कि पैरेलल में लगाऊं? पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस पहले से भी कम होता है। यस और नो? तो हमने क्या किया इसके लिए? हमारे पास एक जी लिया अभी, लिख लीजिए वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। जब आपने लो बोल दिया तो लो किसके लिए वर्ड होता है? संट के लिए होता है। कर लोगे? अब क्वेश्चन ये है भाई, ये एमीटर की तरफ बिहेव कैसे करेगा अभी? आपने जी देख लिया ना, ये जी है अभी, ये स्केल बनी हुई है, दोनों तरफ स्केल है अभी, जो दिखाती है डायरेक्शंस को दिखाने के लिए है। स्केल की वैल्यू भी है तो वैल्यू भी दिखाएगा। जी है भी आपका, ये नीडल जीरो पे होती है हमेशा, स्टार्टिंग में भी जब करंट जीरो है उसके बाद स्केल बना होता है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे मैंने बोला कि एवरी जी हैविंग सम फिक्स वैल्यू ऑफ करंट भाई। यस और नो? आई जी वैल्यू फिक्स होती है डिवाइस, उससे ज़्यादा करोगे तो डिवाइस ख़राब हो जाएगा। तो मान लेते हैं आपका जो जी है, जी क्या है? गैल्वेनोमीटर। उसका करंट मैक्सिमम कितना माप सकता है? ये 5 एम्पियर भी। तो ये कितना होगा? 1 एम्पियर, 2, 3, 4, 5 ऐसे मिलेगा आपको डिविजन्स की टर्म में भी। इनको बोलते हैं डिवीज़न भी। क्या बोलते हैं इनको? डिवीज़न। प्रॉब्लम ये नहीं है भाई, प्रॉब्लम ये है मैंने यहाँ से करंट भेज दिया 20 एम्पियर का भी। कितना भेज दिया? 20 एम्पियर्स। ओके, और आपके पास एस नहीं है भाई, एस नहीं जोड़ा अभी तक मैंने, सिर्फ जी है अभी। तो उसकी मैक्स रीडिंग कितनी हो सकती है? 5। 20 भेजा हुआ, डिवाइस खराब भाई आपका। यस और नो?
अब क्या करेगा, हमने जोड़ दिया पैरेलल में इसके साथ एस भी, ये तो क्या लेगा, ये तो मैक्सिमम कितना देगा, 5 लेना है इसको, और 15 कहाँ से आएगा फिर, एस के पास जाएगा फिर। लेकिन मैं तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मेरे अकॉर्डिंग तो डिवाइस में से 20 एम्पीयर करंट फ्लो किया है अभी, और डिवाइस काम भी कर रहा है अभी, एंड डिवाइस करा भी नहीं हुआ। यस सर नो, हम तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ, मैं तो क्या पता चल रहा है कि मैंने 20 एम्पीयर करंट भेजा और 20 यहाँ से निकल गया और डिवाइस काम कर रहा है प्रॉपरली। यानी मेरे लिए लास्ट स्केल किसके बराबर है, 20 के बराबर है। सो यहाँ पे आई उसकी, यस सर नो, ये तो 20 है, तो ये कितना होगा फिर, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 12, ये 16 और ये 20, एक नई स्केल तैयार होगी भाई। यस सर नो, उसी के ऊपर जो कि जे की तो नहीं है अभी। यस सर नो, तो क्या बन चुका है, ये एमीटर बन चुका है। स्केल किसकी यूज़ कर रहा हूँ, जे की यूज़ कर रहा हूँ, और आंसर ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ उसका, तो एक नई स्केल तैयार होगी। इसको नाम क्या दिया गया इस स्केल को, इट इज़ एमीटर। समझ में आया थोड़ा बहुत भाई। अब एमीटर तो करंट मापता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उसको मापने की, तो इसको यहाँ से काट दिया गया स्केल को भी, और इसको टेटा लगा दिया गया सर। कैसे मापते हैं स्केल हम लोग उसकी, ये होती है, ये 0 यहाँ पे होती है उसकी, ये 1 2 3 4 5, कितना 20 एम्पीयर। किस किस स्केल है ये, एमीटर के। ये डिवाइस क्या बन चुका है, कौन सा डिवाइस, ये पूरा डिवाइस विद शंट रेजिस्टेंस। समझ में आए कि नहीं आए, इसका नाम क्या है, एमीटर। एनी प्रॉब्लम क्लास, कुछ आइडिया मिल रहा है कि हो क्या रहा है अभी, बता दो। ये करंट आई जा रहा है 20 जो बोल रहा हूँ मैं, ये कितना लेगा आई जी, इसको मैं 5 बोल रहा हूँ, और ये आई माइनस आई जी बोल दूँ इसको, अब की बार कुछ फर्क पड़ेगा। ये सर ना, बाकी जो बचा हुआ ये ले रहेगा, और यहाँ से कितना जाएगा वापस, फिर आ ही जाएगा, 20 का 20 निकल गया वहाँ से। समझ में आया थोड़ा बहुत, डायग्राम बनाओ। लिखिए अभी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, ए बी पॉइंट कौन से हैं, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी भाई, क्योंकि इन पॉइंटों में दोनों क्या जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और पैरेलल में है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए इनका भी। यस आर नो, तो इसका कितना होगा अभी, इसका कितना होगा या इसका कितना होगा बताओ, आई माइनस आई जी इंटू एस वी, वी इज इक्वल टू आई आर, और इसका कितना होगा, आई जी इंटू जी। यस सर नो, क्या आप एस वैल्यू निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, सही है कि नहीं है, कुछ मुश्किल है। अब थोड़ा दिमाग खोलिए अभी, एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस, अभी शंट की वैल्यू हमेशा कम होती है अभी। यस सर नो, ये वैल्यू कम कब कैसे हो सकती है, नीचे वाली वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, ये ज़्यादा कब हो सकती है, जब आई जी की वैल्यू क्या हो, आई जी तो फिक्स है भाई, आई जी तो फिक्स है क्लास, आई जी फिक्स है, जी फिक्स है, ये डिवाइस को चेंज थोड़ी कर रहा हूँ मैं, बस क्या कौन है आई, अगर आई ज़्यादा हो गया एस कम हो जाएगा अभी, मतलब क्या इस बात का, ये उल्टा बोल सकता हूँ, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगा। ये समझ में आया थोड़ा बहुत भाई, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगा, तो बेस्ट डिवाइस कौन सा, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, किसका रेजिस्टेंस, एस का भी। तो व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर भी, कम से कम कितना हो सकता है, 0 ही हो सकता है, किसी आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, ये पॉइंट बन जाता है यहाँ पे आपके एमसीक्यूज का भी। समझ में आई ये बात है कि नहीं आई, एस जितना कम होगा उतना ही आई ज़्यादा फ्लो करवाएगा, ये बात सही है कि नहीं है, तो इतना ही बेस्ट डिवाइस होगा भी। मैक्स रीडिंग आ रही है वहाँ से मेरे को फर्स, तो लिख लीजिए रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर,
रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर इज जीरो वेव, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर इज ए जीरो। समझ में आई बात है? अगर मैं नेट रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ, कितना आएगा नेट रेजिस्टेंस भी, पैरेलल में जुड़े हुए हैं भाई, तो 1/RP ले लूँ उसको, कैसे जोड़ोगे, 1/S + 1/G इन पैरेलल भाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरपी क्लास, SG/S + G, कैसे लिखा मैंने, ले लो एलसीएम है, एस जी आएगा ऊपर, क्या आएगा S + G + S, उल्टा करोगे दिस वैल्यूज। समझ में आई? यस सर। नो कर पाओगे? टॉपिक कंप्लीट। वोल्ट मीटर, व्हाट इज ए वोल्ट मीटर भी, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है क्लास, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापेगा या वोल्टेज को मापेगा बिटवीन टू पॉइंट्स भी। लिख लीजिए क्या होता है अभी, लिखो इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस विच कैन मेजर, इट इज ए डिवाइस विच कैन मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विच कैन मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा भाई। यस और नो? एक और लाइन लिखिए इसके लिए आगे, इट इज हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी, इट इज हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है भाई, जी की रेजिस्टेंस ज़्यादा करना, तो कैसे जोड़ेंगे रेजिस्टेंस को, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में, और हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद जी, जी क्या है गैल्वेनोमीटर भी, वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद ए गैल्वेनोमीटर भी जी। तो डायग्राम कैसा बनने वाला देखिएगा अभी, ये जी है, यहाँ पे जोड़ दिए एक हाई रेजिस्टेंस भी, आर मान लेता हूँ, रो तो एस ले करते हम लोग, ठीक है भाई। अब जी को वोल्ट मीटर बनाए कैसे भी, देखिए आपका जी ये था, नीडल्स बीच में जीरो स्टार्टिंग, 1, 2, 3, 4, 5, कितना करंट माप रहा था पहले, ये 1, 2, 3, 4 ऐसा था ना, 5 एम्पीयर एग्जांपल ही था हम लोगों ने एग्जांपल्स के लिए। मान लीजिए अभी इस जी का रेजिस्टेंस 5 ओम का, अभी एग्जांपल ले रहा हूँ वैसे ही, यस आर नो, और स्की नीडल्स यहाँ पे आई हुई है 5 एम्पीयर पे, तो कितनी वोल्टेज यूज कर रही है, वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, आई कितना है 5 एम्पीयर, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का, तो ये रीडिंग कितनी आई वोल्टेज की यहाँ पे 25 वोल्ट भी, ये बात सही है कि नहीं है, ये कितनी आएगी फिर 5 वोल्ट, 5, 10, 15, 20 ऐसे भी। स्केल तैयार कर लिया एक और मैंने, जो कि जी से क्या माप रहे हैं हम लोग, वोल्टेज माप रहे हैं, यस सर नो, लेकिन वोल्ट मीटर अभी तक नहीं बना। मैंने वोल्टेज जोड़ दी इन पॉइंटों के बीच की 100 वोल्ट भी, 100 वोल्ट कितनी जोड़ दी 100 वोल्ट, क्या अकेला डिवाइस जी हो तो, ये तो 25 माप सकता है मैक्सिमम भाई, डिवाइस खराब भी आपका, यस सर नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये नहीं है अकेला जी है, 100 वोल्ट जोड़ा गया है, डिवाइस खराब हो गया उसी टाइम पर, कर लोगे, ये जोड़ दिया मैंने सीरीज में भी, आपको पता है सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है V1+V2+V3 एंड सो ऑन, याद है कि नहीं है, यहाँ पे कितनी गई मैक्सिमम कितनी है इसके पास, तो 25 तो 75 कहाँ से आएगी, क्या डिवाइस खराब हुआ, यस और नो, हमने तो बाहर से देखा अभी कितनी वोल्ट जुड़ी हुई है 100 वोल्ट, और डिवाइस कम भी कर रहा है, डिवाइस खराब नहीं हो रहा भाई, यानी 100 वोल्ट को माप रहा है, सीधी सी बात ये, तो ये पॉइंट क्या बन गया मेरे लिए, जो 100 वोल्ट बन गया भाई, स्विच की यहाँ पे आई हुई है, यस और नो, आखिरी पॉइंट क्या बन गया मेरे लिए, मेरे 100 वोल्ट माप रहा है, तो भाई ये पॉइंट क्या बन गया फिर,
ये 20 वोल्ट बन गया। एक नई स्केल तैयार होगी, ये स्केल किसकी है, वोल्ट मीटर की स्केल होगी। समझ में आया कि नहीं आया अभी, आई कि नहीं आई, यानी इस डिवाइस में से जो अक्षर लिखे हुए हैं मिटे के, क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, अब ये लिखना पड़ेगा भाई 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट ऐसे करके भी। अब ये डिवाइस जो स्केल लिख दिए ना, ये जी नहीं रहा अभी, क्या बन गया, ये वोल्ट मीटर बन गया। वोल्ट मीटर में डायरेक्शन नहीं होती, तो इसकी हाफ स्केल को तोड़ो और उसको टेढ़ा लगा दो। नहीं समझ में आई बात भाई, इट बी के में वोल्ट मीटर में एक है। ये तो एग्जांपल ही था, ये ऐसे हो सकता है। अब इसी जब लिखना पड़े तो आपको क्या लिखोगे, आप लोग ये लिखोगे भाई इन अक्षरों की जगह पे, 1 2 3 4 5 की जगह पे, ठीक है भाई, कर लोगे। नहीं समझ में आई, आई कि नहीं आई, मुश्किल है, कितने आसान है डिवाइस को तैयार करना भाई, आपको लगते हैं ये उस टाइम पता नहीं कितना दिमाग लगाया उन्होंने इसके ऊपर में। इस पूरे डिवाइस का नाम क्या है भाई, वोल्ट मीटर, कर लोगे। यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज कितनी है, वी मान लूँ जो कि 100 वोल्ट थी भाई, करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई, आई जी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है भाई, और इसकी फिक्स वैल्यू तो है ही भाई, तो इसमें से कितना जाएगा, आई जी जाएगा इसमें से भी। समझ में आया थोड़ा बहुत, तो व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस भी, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, जी प्लस आर भी, जी प्लस ए आर, करंट की वैल्यू भी वी बाई आर प्लस जी भी, सही है कि नहीं है, अब बताओ मेरे को भी। मेरे को वोल्टेज ज़्यादा चाहिए भी, तो ले टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, इसको यहाँ पे ले जाओ भी, कितना आएगा, आर प्लस जी इज इक्वल टू वी बाई आई जी, लिख सकता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भाई, क्योंकि मेरे को जोड़ना क्या है पता तो होना चाहिए, क्या जोड़ूँ मैं यहाँ पे, कितना भाई, वी बाई आई जी माइनस जी भी, यस आर नो। और क्या बोला गया है, वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू हाई है भाई, आर की वैल्यू हाई कब हो सकती है, आई जी तो फिक्स है, जी फिक्स है, बस क्या कौन है, पोटेंशियल ज़्यादा हो भाई। आई जी आर ज़्यादा कब होगा, जब वी ज़्यादा होगा, उल्टा बोल दूँ, वी ज़्यादा कब होगा, जब आर ज़्यादा होगा भाई, यस आर नो। यानी एक आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ज़्यादा कितना, मैक्सिमम ज़्यादा कितना हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, यस आर नो, लिख दिया, ये लिखो, हो गया भी क्लास, मैंने क्या लिखवाया था, कुछ लास्ट लाइन क्या लिखवाई थी, लिखिए, ये एमसीक्यूज के अच्छे पॉइंट बन रहे हैं भाई। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी भी, यस आर नो। अब एक और प्रॉब्लम भाई, क्या प्रॉब्लम है, डिवाइस तो बना लिया हम लोगों ने, एमीटरी बना लिया, जीबी बना लिया, वोल्टमीटरी बना लिया भाई, अब इनको भी जोड़ना है कहीं तो जोड़ें। अब बताओ एमीटर को सीरीज में जोड़ें कि पैरेलल में जोड़ें भाई, और क्यों जोड़ें, अब क्यों आएगा आंसर आपके साथ भाई, एमीटर कहाँ जोड़ना चाहिए, सीरीज में, एमीटर पैरेलल में क्यों नहीं जोड़ना चाहिए भाई, ये एक बल्ब लगा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ दिया पैरेलल में एक एमीटर भाई विद ए बैटरी, उल्टा करेंगे हम तो, क्या एमीटर रीडिंग दिखाएगा, क्या बल्ला फोन होगा, हेल्प कर दें, कितने खतरनाक क्वेश्चन बन रहे हैं ना भाई, क्या एमीटर रीडिंग दिखाएगा भी? दिखाएगा पक्का, देख लो, अरे बता दो, क्या बल्ला फोन होगा, फिर फायदा क्या है, सीरीज जोड़ेगी पहले में जोड़ते आंसर आ रहे हैं, तो सीरीज में व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर भी कम होता है, आइडियल का क्या होता है, जीरो होता है, कम रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, पैरेलल में जोड़ा हुआ है, नेट इससे भी कम आएगा, यस आर नो, बैटरी करंट ज़्यादा हो गया उसके हिसाब से भी, दोनों डिवाइस खराब होंगे आपके, ये भी खराब होगा, ये भी खराब होगा, काम ही नहीं करेगा ये डिवाइस, कोई भी काम नहीं करेगा,
कर लोगे, जोड़ेंगे बल्लभ के साथ सीरीज में भी। कुछ रेजिस्टेंस इसका हो गया, कुछ इसका हो गया, ऐड हुआ रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत, तो करंट ड्रॉप कहाँ पे होता है भाई? ज़्यादा रेजिस्टेंस में करंट ज़्यादा ड्रॉप होता है भाई, तो अच्छा कौन है इस कंडीशन में? ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है अभी, तो कहाँ जोड़ना चाहिए मेरे को उसको? सीरीज जोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की भाई, ये वोल्ट मीटर अभी कौन सा अच्छा भाई? इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, हाई रेजिस्टेंस भी, हाई में जुड़ गया बल्लब का भी और हाई, करंट के लिए हाई रेजिस्टेंस दिक्कत देगा भाई, यस और नो? यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस आंसर इनसे तो इनसे कम आएगा, लेकिन इतना भी कम नहीं आएगा कि डिवाइस खराब होते हैं। तो कहाँ जुड़ा होता है वोल्ट मीटर? पैरेलल में जुड़ा होता है, समझ में आया? थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस की वजह से वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑलवेज। एमीटर कहाँ जुड़ेगा हमेशा? सीरीज में भी।